ठीक है अच्छा वो पेपर, चलो बहुत अच्छी बात, मैनेज करना बंद करो बेटा यार, इतना मैसेज बेटा मत लिखो, माइक खोल के बोल दो अगर इतना कुछ बोलना है तो, नहीं तो स्टार्ट करते हैं ठीक है। प्रतिभा सबसे अच्छा तुम्हारा केमिस्ट्री का ही हुआ, अच्छा कितने नंबर आ जाएंगे प्रतिभा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो भाई स्टार्ट करें क्या? यस सर। तुम लोग कल मैम से बायो के लिए कह रहे थे कि तुम्हारा बायो का अच्छा हुआ, आज तुम लोग केमिस्ट्री का अच्छा हुआ। आकाश तुम्हें पूरा आ जाएंगे 50? अरे बहुत अच्छी बात है। चलो भाई करें स्टार्ट। 10 सितंबर को क्लास था यार, इतना लंबा तो मुझे भी याद नहीं कि क्लास था कि नहीं था, तीनों सीरीज का था। बहुत अच्छी बात है सुमीक्षा, गुड इवनिंग। फिजिक्स का अच्छा नहीं हुआ, बाकी सारे अच्छे हुए ठीक है। आपकी फिजिक्स की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। सिमरन तुम्हारा मैसेज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर अच्छा नहीं हुआ ना। चलो अच्छा ठीक है, अब बस अब बातें बंद, अब कोई मैसेज नहीं करेगा मुझे, जल्दी से याद दिलाओ कहां तक हुआ था बेटा। सिर्फ प्लगजोनियल लीगेंड्स हो गए थे। प्लगजोनियल लीगेंड क्या होते हैं जल्दी बताओ? प्लगजोनियल लीगेंड क्या होते हैं बेटा? मुझे एक मिनट, मैं चेक कर लूं एक बार कहां तक हुआ है तुम्हारा। प्लगजोनियल लीगेंड तक हुआ है। तुम लोगों ने आइसोमेरिज्म बेटा पढ़ लिए थे? अभी नहीं पढ़े होंगे। यार वाईफाई बंद कर दिया क्या इसने? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, क्यों गायत्री? हाँ ठीक है। अरे क्या हो गया भाई, नेट नहीं चल रहा क्या? तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही प्रॉपर? यस सर। लिगेंड्स विच शो मोर देन वन हेपेसिटी, बिल्कुल सही ठीक है। प्लगजोनियल लिगेंड की बात हो रही है ये ठीक है बेटा। एक सेकंड मैं यार कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, बस एक मिनट। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, क्या मैंने ये टॉपिक लिखवाया था बेटा? लास्ट हेडिंग यही थी, एक बार क्लियर करो जल्दी से। सर आपने ये करवा दिया था ना, ये हो गया था सर लास्ट में आपने यही लिया था ना। अच्छा एक सेकंड रुकना, मुझे लास्ट क्लास तक मैं मिल ही नहीं रहा तुम्हारा लेक्चर कहां तक है। अच्छा ठीक है, प्लगजोनियल पे अपलोड नहीं किए? नहीं नहीं हाँ ठीक है, कह रहा हूँ प्लगजोनियल लिगेंड मैंने करवा दिया था आपको राइट? यस सर। ठीक है तो इसका मतलब हम लोग आज आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जहां तक एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, हाँ आइसोमेरिज्म से पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ईएन रूल ठीक है। चलो तुम क्या करो, आप लोगों को करना ये है स्टार्ट करना, हाँ प्लगजोनियल तक हो गया बिल्कुल सही। रुको एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर हो रही प्रॉपर? यस सर। ठीक है तो आप क्या करो, आप हेडिंग डालो, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसके चार लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए ठीक है। आज ये पांचवा लेक्चर है और पांचवा
बड़ा चैप्टर है, तो मान के चलो तुम्हें दो से तीन तीन लेक्चर और मानो तीन लेक्चर में फिनिश कर देंगे, ठीक है, मतलब कि फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है, मतलब जो भी है मतलब दो तीन लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, डोंट वरी। अब आज हेडिंग डालो EAN रूल, EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, लिखो जल्दी से, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तुम लोगों की बेटा क्लासेस तो कल से स्टार्ट हो गई थी ना? यस सर। बहुत अच्छी बात, चलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। EAN रूल क्यों पढ़ते हैं? EAN रूल हम पढ़ते हैं टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, EAN रूल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो लिखो आगे, अरे बड़ी अच्छा, सिक्स तो चार्फेक्ट तो जो भी है पढ़ना तो है ही अपने को, है ना। मेरा कहने का मतलब नेक्स्ट टू थ्री लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है भैया, हम तुम्हारा कोई भी टॉपिक छुड़वाना नहीं चाहते, नहीं तो कराने तुम आज ही खत्म करा दें, तुम बताओ करवा दें? नो सर। हाँ इसीलिए हम लोग करेंगे तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके पूरा पूरा। हेडिंग डालो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बाय बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं, लिखो, टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं। अब तुम्हें करना क्या, बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, EAN का फॉर्मूला होता है बेटा Z माइनस का X प्लस का CN, CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू में 2, ठीक है। ये है तुम्हारा EAN रूल, बस इतना सा तुम फॉर्मूला अगर याद कर सकते हो तो कर लो, कर पाओगे? हाँ ना बोलो यार, अरे भाई कर पाओगे? यस सर। लिखो यहाँ पे वेयर, वेयर तुम्हें क्या लिखना है, लिखो वेयर Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल वो एटम भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है, ठीक है। फिर तुमसे पूछो कोई X क्या है, X है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, ठीक। अच्छा अगर तुमसे पूछे कि CN क्या है, तो ध्यान रखना बेटा CN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, बस इतना लिखो जल्दी से बेटा। डन सर, हो गया बेटा, ठीक है। एक रुक जाओ, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये बेटा यहाँ पे थोड़ा सही करो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू डी होगा, इनटू टू होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू डेंटिसिटी इनटू टू, डी क्या है, डी है डेंटिसिटी, ठीक है, डी है डेंटिसिटी, बस इसे और यहाँ पे नोट कर लो, कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू में डी इनटू में टू, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या निकालोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंटिसिटी, या तुम अरे बस सही है ऐसे लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं उसकी डी से मल्टीप्लाई करो, डेंटिसिटी का मतलब ये तो मोनोडेंटेड बाईडेंटेड ट्राइडेंटेड पढ़ चुके हो, हाँ ना बोलो यार जल्दी से, यस सर, ठीक है। तो हम तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका तुम्हें क्या करना है, EAN रूल पता करना है, जल्दी से दिख लो भैया, इतने दिनों बाद क्लास चल रही, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ पेपर तुम लोगों ने अच्छे से दिए हैं, ईमानदारी से एकदम? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर तुम्हें इसका EAN रूल निकालना है तो तुम्हें क्या क्या चाहिए, एक तो तुम्हें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए जो कि हमें मालूम है, Fe का क्या होता है, सख टी वी कर मन पे 26 होता है, याद है,
x क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो निकालनी पड़ेगी, तो चलो उसे पहले निकाल लेते हैं। तो भैया k का चार्ज कितना होता है, k पे होता है प्लस वन, कितने k हैं चार, तो इंटू फोर, प्लस Fe का निकालना है उसे x मान लो, प्लस Cn का कितना होता है चार्ज माइनस का वन, कितने Cn है छह, इक्वल में कितना चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स पे, जो चार्ज हो कोई चार्ज नहीं तो जीरो, सिक्स लग रहा है बट ये जीरो, ठीक है। अब जब इसका तुम निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, फोर प्लस का x माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस फोर दैट इज टू। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आ गई, टू निकल के आ गई, बोलो समझ आया। अब मेरे को करना क्या है, ई ए एन लगा देना है भैया, जब ई एन लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है जेड माइनस का एक्स और प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू में डी इनटू में टू, ठीक। अब देखो तो अगर हम लिखें जेड, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एफ ई का एटॉमिक नंबर होता है छब्बीस, सबको याद है, बोलो हाँ ना। yes, तो ये हो जाएगा 26, 26 माइनस का एक्स कितना है, एक्स हम लोगों ने निकाला टू, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई टू, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कितने है सिक्स, इनटू में डेंटिसिटी डी, डी कितना है, अब बताओ सीएन तुम्हारा मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है क्या है, जल्दी बोलो। अरे बेटा सीएन तुम्हारा मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो यानी कि मल्टीप्लाइड बाय वन इनटू में टू, ठीक है। तो बेटा बताना जरा, 26 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 24, और 24 और 12 कितना आ जाएगा 36। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या करना है, तुमने ई एन रूल निकाला, अब अगर जो तुमने ई ए एन नंबर निकाला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अगर ये किसी नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड कैसा स्टेबल है, अदरवाइज ये अनस्टेबल होगा। अब मुझे बताओ क्या 36 क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर नहीं होता है, बोलो। यस सर। अरे होता है कि नहीं होता, बोलो यार। यस सर। क्या है ये, तुम्हारी एक नोबल गैस है, क्या है ये तुम्हारी नोबल गैस, नोबल गैस क्या होते हैं स्टेबल, इसीलिए ये वाला कंपाउंड भी क्या होगा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपने निकाला है वो इसके नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज क्रिप्टॉन है उसके इक्वल ही आया है। क्रिप्टॉन का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है 36 होता है, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए ये भी कैसा हो जाएगा एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बोलो यार तुम लोग इतना कर पाओगे कि नहीं, हाँ या ना बोल दो सर। यस सर। यस सर। इतना जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन देते हैं फटाफट। यस सर। यस सर। ठीक है, तीन तक गिरेंगे, जिसका नोट नहीं हुआ नोट कर लो, तीन, चलो। हाँ अगर इतना तुमने हो गया ना बेटा। यस सर। ठीक है, तो आप लिखो K3 और ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ जल्दी से, CR और कह रहा भैया C2O4, क्या कह रहा, C2O4 का होल प्राइज, अब इसका निकालो जल्दी से, जितना जल्दी निकाल पाओ निकाल लो। मुझे बताओ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है कि अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, इतना कर पाओ तो करके दिखा दो जल्दी से। और इसका कितना निकल के आ गया वो बता देना। देखो जे वाले बैच में मैंने यही बोला था और तुम्हारे वाले बैच में भी हम यही बोल रहे हैं कि पेपर निकालने का एक ही मंत्र है, चाहे कितना भी तुम टॉपर हो, चाहे कोई भी किसी से पूछ लेना, बस एक ही मंत्र है, और चाहे किसी भी टीचर से पूछ लेना, हर टीचर तुम्हें एक ही बात बोलेगा कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया है उसके आप PYQs जो है पिछले ईयर्स के, पिछले 10 ईयर 11 ईयर्स के, उन्हें आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पे लगा के जाओ, सारे जो PYQ ने सॉल्व कर लो। अगर आपने सारे चैप्टर्स के साथ केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में इतना कर लिया तो आपको आपका पेपर क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाया, ठीक है, इतना कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात। हाँ भाई
ओके, तनिष्का का आंसर आ चुका है और तनिष्का का आंसर बिल्कुल सही। भाई देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। पोटेशियम पे चार्ज होता है प्लस का वन, कितने पोटेशियम है थ्री, क्रोमियम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एक्स मान लो प्लस। अब C2O4 बेटा क्या होता है जरा देखना, C2O4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या C2O4 की स्ट्रक्चर यही होती है? हाँ ना बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, दैट मीन इसके ऊपर दो डोनर एटम है, यानी कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। बस तुम्हें यही पता करना था कि ये बाइडेंटेट है या ये मोनोडेंटेट है। अगर तुम्हें पता है डोनर एटम ये बाइडेंटेट है, इसका मतलब माइनस का टू चार्ज होता है कितने है थ्री, इज इक्वल में कोई चार्ज नहीं जीरो, इसका मतलब थ्री एक्स सिक्स और सिक्स माइनस थ्री कितना है ना थ्री, यानी कि एक्स हो जाएगी प्लस का थ्री, यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारा क्रोमियम है वो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्या इतना सब लोगों ने निकाल लिया? हाँ भाई, ऑक्सीडेशन नंबर जिसने आंसर दिया सबका सही आया। ठीक है, तो अगर आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो कितना हो जाएगा, तो जाएगा बेटा जेड माइनस का एक्स प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू में डी इनटू में टू। ठीक, जेड की अगर बात करें, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला हम लोगों ने 3, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंटिसिटी। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, तीन दिख रहे हैं, तो फिर तो यहां पे 3 लिखो इनटू में डी, मतलब डेंटिसिटी। ये मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट, हां ना बोलो जल्दी से बेटा, बाइडेंटेट है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इनटू 2। ठीक है, तो 24 में से 3 क्या कितना आ जाएगा 21, ये कितना आ जाएगा 12, 21 12 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, अब यार ये आया कितना 33। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें याद हो तो बेटा जो क्रिप्टॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता कितना है 36, ये क्या है तुम्हारी नोबल गैस, तभी जैसे हम लोगों ने पीछे दिखाया, और इसका आया कितना 33। तो अगर 36 आता तब ये कैसा होता, स्टेबल, बट ये आया कैसा 33, यानी कि इट इज अ अनस्टेबल कंपाउंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ना बोल दो। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ बहुत तेजी में, और लड़के आंसर नहीं दे रहे यार, जतिन आकाश जो भी बच्चे हैं सॉल्व करो, लड़कियां आगे निकल रही तुमसे यार, कैसी बातें कर रहे हो। प्रतिभा 32 तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, 33 आएगा यार, चेक कर लूं क्या एक बार, 24 में से 3 क्या 21, और ये 3 दुनी 6 दुनी 12, 12 1 3 सही तो है, 33 आएगा बेटा, 32 नहीं आएगा, 33 है। ठीक है, चलो इसका इसका निकालो, CONH3 का होल 6 2 प्लस 3 प्लस सॉरी, इसका बताओ कितना होगा जल्दी जल्दी, स्टेबल है कि अनस्टेबल है इतना बता दो फटाफट। तनिष्का का आंसर आ गया है 36 एंड स्टेबल, प्रतिभा का आंसर आ गया 36 एंड स्टेबल। ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ भाई, हमें सबसे पहले तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो इसे आप एक्स मान लो प्लस NH3 एक तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 इंटू में 6 दैट इज 0 और इक्वल में प्लस का 3, तो इसका मतलब एक्स जो है सीधे सीधे क्या आ जाएगा प्लस का 3। क्या यहाँ तक की बात सबको समझ में आती है, बोलो। यस सर। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा सबके प्लस 3 आई, उसके बाद आप फॉर्मूला लगा दो, EAN का फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस का एक्स प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू में डी इनटू में टू। ठीक है, बस इतना ध्यान। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि जेड कितना है, कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, यानी कि 27, मैं इसे लिखूंगा 27, और माइनस का इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3 होगी बेटा, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड कितना 6 है, और डी बताओ NH3 तुम्हारा कौन सा है, मोनोडेंटेट की बाइडेंटेट, जल्दी बोलो, मोनोडेंटेट, मतलब 1 इनटू में 2, तो 6 टू द 12, और यहां पे कितना आ जाएगा 24 प्लस का 12 दैट इज 20 सॉरी 36, और 36 का मतलब क्रिप्टॉन, बिल्कुल सही है, अनस्टेबल। तो जिन बच्चों ने इसका 36 और अनस्टेबल सॉरी स्टेबल वो बिल्कुल सही, ठीक है, 36 भी आ रहा है और ये स्टेबल भी है, क्यों भैया स्टेबल क्यों है, क्योंकि भैया यही तो तुम्हारा नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलो ऋत्विका दीक्षा सबका आ गया, ठीक है, तनिष्का
हाँ भी बेटा तनिल क्वेश्चन दे रहा है यार, और लोग भाई लड़के कहाँ हैं, कहाँ हैं लड़के? आकाश तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम लोग क्यों नहीं आंसर बता रहे हो? जतिन, अरे भैया आकाश जतिन कुछ तो करो जिंदगी में, है ये लड़कियां तुमसे आगे निकल जाएंगे, ऐसे ना कटवा दे रहे ना, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो जतिन यार यस सर मत लिख के भेजो, क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैं नहीं जाओगे कुट अभी वर्चुअली, ऑनलाइन कूट देंगे तुम्हें पकड़ के भी हम, ठीक है? सब लोग आंसर बता रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं बता रहे बेटा? जतिन एंड आकाश आप लोग भी बताओ, इस बैच में वैसे हम भूल जाते हैं सिर्फ लड़कियां लड़कियां हैं, बट फिर भी एक दो जो भी लड़के हैं वो बताओ। हाँ लग तो यही रहा कि सो गए, सही कह रही हो बेटा, बताओ जल्दी सही है, ये कैसा होगा? अनस्टेबल होगा कि स्टेबल होगा? अगर स्टेबल होगा तो कैसे होगा, अनस्टेबल होगा तो कैसे होगा, बताओ। अच्छा आकाश बाहर हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा सहपाठी भी तो नहीं आंसर दे रहा यार, जतिन भी तो नहीं दे रहा आज आंसर। भाई जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर फटाफट, जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी। अगर तुमसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा तो तुम करके आओगे सही? आया ना बोलो, कर दोगे बेटा? समझ में आया कि नहीं आया बताओ, फिर से समझा दें अगर कहीं पे नहीं आ रहा है तो, कर लोगे बेटा? अरे बोलते नहीं है यार तुम लोग, एक तो चैट करे रहे तो, हमें चैट पसंद नहीं बिल्कुल। प्रतिभा ठाकुर का आंसर आ गया 84 बेटा, कौन से नोबल गैस का एटॉमिक नंबर होता है? बता बेटा 84 कौन से नोबल गैस का एटॉमिक नंबर होता है? नहीं होता है, 86 होता है ज़ीनॉन का, होता है या 84 होता है? 86। देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो भैया देखो ऐसे निकालते हैं हम तो, इसका पता दो, दो में क्या करो क्रॉस वाले 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 10, 10 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 18, 18 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा 36 बेटा, 36 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा 54, दैट इज 54, इसमें जोड़ो 32 कितना हो जाएगा 86। तो 86 होता है किसका? रेडॉन का। तो अगर 86 आता है तो ये स्टेबल होगा, अगर 83-84 आता है तो कोई मतलब नहीं, ठीक है? 86 आंसर इज करेक्ट आंसर, 86 आ रहा है क्या अभी देख लेते हैं। चलो भाई तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर तुम प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो प्लेटिनम प्लस का -1 × में कितने 4 इज इक्वल टू में -1, यानी कि x -4 इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू प्लस का 2। क्या यहाँ तक मैंने सही किया? जल्दी बोल दो यार। यस सर। ठीक है यस सर। अब फिर हम क्या करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला क्या था बेटा? जेड माइनस का एक्स फॉर्मूला, बार बार लिखो, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी जल्दी याद होगा। प्लस क्या लिखूंगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू में डी इनटू में 2। अच्छा एक चीज सुन लो, हो सकता है तुम्हें किताब में ऐसा लिखा मिले कि कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए यहाँ पे लिखाओ सीधे फॉर्मूला में डी ना दिया हो, तुम्हें सीधे ऐसे लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2, ठीक है? और तुम्हें अलग से लिख के दे दिया हो कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंटिसिटी। तो तुम कंफ्यूज मत हो ना कि सन ने क्वेश्चन फॉर्मूला गलत लिख दिया, सन ने सही लिखा है, तुम्हें पढ़ा रहा है, मतलब तुम्हें तुम्हें पढ़ने के ऊपर है कैसे तुम उसे रीड करते हो। अगर फॉर्मूला इतना लिख के आ गया तो ये भी तो सही है, क्योंकि वो सिर्फ इतना लिखते हैं cn into 2। अब cn का कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। तो ये तुम्हें अंडरस्टूड होना चाहिए कि हाँ ऐसा है। अब जरा देखना z की वैल्यू बोले तो z क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनम के एटॉमिक नंबर बोलो बेटा कितना होता है प्लेटिनम, निकम्मा पंडित पिटेगा, याद आया कुछ? 78। x कितना निकाला बेटा हम लोगों ने, 2 निकाल लिया। प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो क्या, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, कितने नंबर ऑफ लिगेंड है 4, डेंटिसिटी की सीएल की डेंटिसिटी बोलो 1 × 2, 78 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 76, प्लस 4 दूनी 8, 76 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा बेटा 84। तनिष्का आपका आंसर गलत आ रहा है भैया, 86 नहीं है 84 ही आएगा, 76 77 78 79 80 81 82 83 84 आएगा, ठीक है? और अगर 84 आ रहा है तो इट इज अनस्टेबल की स्टेबल, इट इज अनस्टेबल, बिकॉज जो तुम्हारा कौन था, रेडॉन था, रेडॉन आर एन,
आरएन का तुम्हारा 86 होता है, तो अगर आरएन का आता मतलब 86 आता तब ये स्टेबल होती, अदरवाइज ये अनस्टेबल। हाँ अनस्टेबल, जतिन ने बिल्कुल सही बताया। अब आया आंसर जतिन का भाई, प्रतिभा, जतिन, ऋतिका और तनिष्का, तनिष्का का गलत है, उज्ज्वल बिल्कुल सही, सही है, अब सही है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, चलो बहुत सारे क्वेश्चन देने कर पाओगे, आना बोलो यार जल्दी से। यस सर। डरोगे तो नहीं बेटा, डरोगे तो नहीं? नो सर। दे दे फिर। यस सर। बाद में कह दोगे अरे सर मैं डर तो मैं डर गया, ऐसे मत बोलना चाहिए। चलो नोट करो, इनका जल्दी से निकाल के बताओ कितना होगा एनआई सीओ का होल फोर। क्वेश्चन नंबर थ्री, एफ इधर लिखो पाई, इधर लिखो सी फाइव एच फाइव का होल ट्वाइस। एक और बेटा लिखो सीओ का होल फाइव एम एन, एम एन सीओ का होल फाइव। ये आपके लिए होमवर्क है, छोटा बिल्कुल छोटा सा होमवर्क है, इसे करके लाना। अगर कल करके ले आते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लाते तो बहुत कूटेंगे तुम्हें, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये कर पाओगे? हाँ ना बोल दो, ना कर पाओ अभी बता दो, बाद मत कहना नहीं कर पाएंगे। कर लोगे? ठीक है, अगर आपका यहाँ तक हो गया इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म में भी थोड़ा सा हम लोग आज पढ़ लेते हैं, पूरा तो नहीं हो पाएगा बट हाँ जहां तक हो जाएगा वहां तक एटलीस्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन में किसने पूछा, प्रतिभा ने पूछा ना, प्रतिभा यहाँ पे लिखा हुआ है सीओ, सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड पांच है, यहाँ पे एम एन है, फिर एम एन है, फिर सीओ। अरे तुम इसे ऐसे ना लिखो, ऐसे लिख लो यार, क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे लिख लो एम एन टू सीओ का होल टेन, ऐसे लिख लो। अब बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये सॉल्व करना और मुझे बताना, इनके कल चेक करेंगे सर। तनिष्का मुझे पता नहीं, अभी हम कल चेक करेंगे, अभी हम लोग फिलहाल तो अपने चले नेक्स्ट टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले काम करो, यहाँ पे ईएएन रूल के बाद लिख लो आइसोमेरिज्म, हम लोग आज आइसोमेरिज्म भी स्टार्ट कर देंगे। मुझे बताओ एक बार क्लियर करो सब लोग, क्या तुम लोगों को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझ में आया? यस सर। क्या तुमने इससे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ लिया था बेटा? यस सर। तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा था तो और अच्छा, ठीक है, ओके सो मच। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग इज आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमेरिज्म क्या होगा वो? हाँ भाई, आइसोमेरिज्म बेटा क्या होते हैं? आइसोमेरिज्म और दोस्त जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, समटाइम्स उनके स्ट्रक्चर भी, उनके जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर तो नहीं, मतलब उनमें जो लिगेंड लगे होते हैं वो भी सेम होते हैं, बट उसके बाद भी उनका जो स्पेस में ओरिएंटेशन है कभी वो बदलेगा, कभी उनका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म मतलब स्फीयर कोऑर्डिनेशन, स्फीयर और आयनिक स्फीयर आपस में चेंज हो जाएंगे, उससे होगा क्या कि उनकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। जैसे तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने भैया सिस और ट्रांस पढ़ा था, सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन, याद है कि नहीं जल्दी बोलो? अरे यार तुम भूल गया बेटा, ऐसे याद होगा तुम लोगों को, मैंने बोला था कि जैसे पीटी और यहाँ पे एक एन एस थ्री इधर, एक एन एस थ्री इधर, एक सी एल थ्री यहाँ, सॉरी एक सी एल यहाँ पे, एक सी एल यहाँ पे, और एक हम ये कर सकते हैं कि एक पीटी इधर, एन एस थ्री बेटा लिख दिया यहाँ पे, एक मैंने एन एस थ्री लिख दिया यहाँ पे, एक सी एल इधर, एक सी एल इधर। तो दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा कि पीटी एक है, प्लेटिनम एक है, एनएस3 कितने हैं दो, सीएल कितने हैं दो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। ठीक है,
बट दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक दूसरे डिफरेंट है, याद है कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ अब बताया, ऋत्विका ने बताया सिस प्लेटिन, ये इसे बोलते सिस प्लेटिन। अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो क्या बोलेंगे, सिस प्लेटिन। सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड है ट्रांस प्लेटिन। सिस प्लेटिन जो होता है वो कैंसर का ट्रीटमेंट है, वेयर एज ट्रांस प्लेटिन इज अ कॉज ऑफ कैंसर। हाँ ना बोलो जल्दी से, याद आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हें पता है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, तो खैर हमें सिर्फ पढ़ना है कि होता क्या है। तो आप लिख लो छोटी सी, ये तो आपने लास्ट क्लास में भी बताया था, मतलब बताया था, बट आइसोमेरिज्म स्टार्ट करा दी थी क्या? स्टार्ट थोड़ी कराया था आइसोमेरिज्म। नो सर, वहां पे सर आप पढ़ा रहे थे कुछ इसी के बारे में। हाँ, मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था कि होता क्या, बट हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़े नहीं थे। ठीक है, तो आप लिखो कॉम्प्लेक्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स हैविंग, और ये लास्ट क्लास में नहीं बेटा, हम आपको जब से क्लास ले रहे तब से हम पता नहीं कितनी बार ये आपको एग्जांपल दे चुके हैं। कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या लिख लो सेम फॉर्मूला, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन, लिखो देन दे आर कॉल्ड, they are called isomers of each other, isomers of each other. ठीक है, complex having same formula but different properties, then they are called as isomers of each other. ठीक है, अब आती है बात की isomers कितने type, तो answer है कि भैया isomers जो है वो आपके दो type के होते हैं। कौन कौन से दो type, याद तुम लोगों को बचपन में पढ़ा था तुमने 11th class में? नहीं याद हो, हम बताते हैं। एक होते हैं पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और दूसरे होते हैं पर स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। हाँ सही कह रहा हूँ। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से होते हैं, स्टीरियो कौन से होते हैं, एक एक करके लिख लो, वही हमें बस पढ़ना है। ठीक है, ये सारे हमें बस पढ़ने हैं, जल्दी पढ़ेंगे, डोंट वरी, बहुत बस देखने में तो ज्यादा लगेंगे। पहला होता है इसके अंदर आयोनाइजेशन आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, या फिर आइसोमर्स लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा, आइसोमर्स। बिल्कुल सही दीक्षा। दूसरा बेटा लिखो हाइड्रेशन आइसोमर्स, या फिर हाइड्रेटेड आइसोमर्स। तीसरा लिखो लिंकेज, लिंकेज आइसोमर्स। इसके बाद लिखो बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, लिखो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। छठा लिखो लीगेंड आइसोमर, लीगेंड आइसोमर। आइसोमर मतलब पूरा हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है, आइसोमर्स लिख लेना पूरा। चलो तो आयनाइजेशन आइसोमर्स, हाइड्रेटेड आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स एंड लिगेंड आइसोमर्स। ठीक है, जल्दी सुनो, स्टीरियो आइसोमर्स भी दो टाइप के होंगे, एक आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, आइसो मतलब याद रखना आइसोमर्स, और दूसरे आपके कौन से हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। दूसरे हो जाएंगे आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स, अरे भाई बन जा अभी, ऑप्टिकल, अरे यार क्या हो रहा है, आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके दो टाइप के होते हैं, एक कौन सा सिस
दूसरा कौन सा हो जाएगा ट्रांस, सिस एंड ट्रांस, ठीक है सिस एंड ट्रांस। और ऑप्टिकल भी आपके दो टाइप के हो जाएंगे, एक कौन सा डेक्स्ट्रो, एक आपका लिंगो, प्लस साइन से नोट करते हैं एल। इतना बेटा जल्दी से नोट करो। बेटा हो गया सबका? यस सर। चलो लीवो के नीचे लिखा हुआ है एल बेटा, उधर डी, इसे एल से डिनोट करते हैं, डी से। अरे तुम लोगों ने हेलो क्या हेलो री नहीं पढ़ा डेक्स्ट्रो लीवो क्यों? चलो भाई अगर इतना हो गया तो आप फर्स्ट हेडिंग डाल दो आयनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है आप हेडिंग डालो आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स ठीक है आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं? देखो जिनका आयनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपस में एक्सचेंज हो जाता है, लिखो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट produce different ions in aqueous solution, ठीक है, are called ionization isomers. ठीक है, मतलब ionization isomers क्या होंगे? ऐसे आइसोमर्स जिनका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक्वस सॉरी और तुम्हारा आयनिक स्फीयर जो है आपस में इंटरचेंज हो जाए या हो सकता हो, जैसे कि देखो ये पहले यहां पे एक लाइन और लिख लो, देखो दे कैन बी
differentiated. By the या फिर तो by PPT method, by PPT method या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं conductivity, ठीक है, कंडक्टिविटी और पीपीटी मेथड से हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास कहीं पे लिखा हुआ है CO NH3 का होल 5 Cl और यहाँ पे तुम्हारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या SO4 और मान लो हुआ क्या कि हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, ये आपस में मान लो अगर इंटरचेंज हुआ तो कैसा मॉलिक्यूल दिखेगा आपको, आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि भैया CO, या चलो ऐसा ना करो अभी से पहले ब्रेक करो, जब अगर से तुम ब्रेक करोगे तो तुम्हें मिलेगा CO NH3 का होल 5 Cl अंदर रहेगा और प्लस SO4 टू नेगेटिव, अगर इस पर टू नेगेटिव तो फिर क्या जाएगा 2 प्लस आ जाएगा, तुम्हें ऐसा मिलेगा. अब हम क्या कह रहे हैं इसका तुम क्या बनाओ, हम कह रहे हैं इन दोनों को आपस में तुम इंटरचेंज कर दो इसे और इसे, तो क्या होगा तुम्हारा कैसा मॉलिक्यूल दिखेगा CO NH3 का होल 5 अंदर आ गया SO4 बाहर चला गया Cl. अब अगर तुमने इसे ब्रेक करा तुम्हें क्या दिखेगा, तो तुम्हें दिखेगा बेटा CO NH3 का होल 5 SO4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. अब मेरी बात सुनो, तुम्हें देगा क्या, तुम्हें ये दोनों कंपाउंड दे देगा, ये वाला और ये वाला, कहेगा बताओ इन दोनों कंपाउंड में किस टाइप का रिलेशन है, ये कौन से टाइप के आइसोमर्स है, तो आंसर क्या बताओगे भैया ये आयनाइजेशन आइसोमर्स है, क्योंकि हुआ क्या है कि इसे बोलते हैं आयनिक स्फीयर, इसे बोलते हैं कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो हमने करा क्या कि एक लिगेंड को क्या करा, जो तुम्हारा आयनिक स्फीयर है उससे हमने क्या करा चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो जो तुम्हारा कंपाउंड बना उसे हम एक दूसरे का क्या बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर. पहचानेंगे कैसे भाई कि एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं, भाई देखो इससे तुमने क्या करा इसे जब ब्रेक करा मॉलिक्यूल को तो देखो ये तो कोऑर्डिनेशन तो ब्रेक होता नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि SO4 नेगेटिव का तुम्हें यहां पे क्या मिलेगा पीपीटी मिलेगा, या कहते हो जब तुम इसकी बैरियम सल्फेट से रिएक्शन कराओगे, बैरियम क्लोराइड से सॉरी, जब तुम इस कंपाउंड की रिएक्शन BaCl2 से कराओगी तो तुम्हें BaSO4 का यहां पे पीपीटी देखने को मिलेगा, वेयर एज इस वाले कंपाउंड में तुम्हें BaCl मतलब BaSO4 तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहां पे SO4 था, यहां पे तुम्हें कोई Cl क्लोरीन का कोई टेस्ट देखने को मिलेगा कि यहां पे Cl जो है वो एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग ये पता कर लेंगे कि यहां पे एक SO4 मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है, यहां पे एक Cl मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है. हां ना बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? नोट करो जल्दी से इतना, ठीक है. ऐसे ही अगर मान लो हम बोल दें कि भैया PtNH3 का होल 4 Cl2 एंड Br2, ठीक है, यह काम को यहां पर लाइन की, ठीक. अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे तो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ PT NH3 का होल 4 Br2 अंदर Cl2 अंदर. तो यार ये एक दूसरे का आयनाइजेशन आइसोमर्स है, क्योंकि तुम देख लो यहाँ पे इनके आयंस जो है आयनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपस में इंटरचेंज है, बट हम कैसे पता करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल में कौन सा आयन इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है. तो हमें करना क्या, हमें कुछ नहीं करना है, बस हम इसकी रिएक्शन करा देंगे किससे, AgNO3 से, AgNO3 से इसकी भी रिएक्शन करा देंगे किससे हम लोग, AgNO3 से. तो तुम्हें क्या मिल जाएगा इधर 2AgBr मिल जाएगा, क्योंकि Br यहाँ पे ऐसा इंडिपेंडेंट लिगेंड प्रेजेंट है, और ये कैसे कलर का होता है भैया, ये येलो कलर का होता है, और यहाँ पे तुम्हें 2AgCl मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 2AgCl, ये कैसा होता है, ये तुम्हारा व्हाइट कलर का होता है. तो तुम ऐसे पता कर लोगे कि कौन से आयन में कौन सा आयनिक स्फीयर है, कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, खत्म बात. अच्छा दूसरी बात, मान लो अगर हमें तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बनाना है तो हम कैसा क्वेश्चन दे सकते हैं घुमा के, हम ये भी दे सकते हैं कि हम कहेंगे कि भाई देखो तुम्हारे पास एक कंपाउंड ए है, ठीक है, और उसे हम क्या कर रहे हैं डिसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है, या कहते हम ए को क्या करना है ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, हम AgNO3 के साथ कर रहे हैं, और हमें एक येलो कलर का पीपीटी मिल रहा है. अब बताओ ये येलो कलर का पीपीटी क्या है, तो अगर तुम्हें रिएक्शन याद होगी तब याद हो जाएगा, अदरवाइज हम पूछ सकते हैं कि बताओ ए क्या है, या फिर हम कह देंगे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है तुम्हारे पास AgBr मिल रहा है, ठीक है, ये कंपाउंड ए क्या है AgNO3 से रिएक्शन करके AgBr दे रहा है, कह रहे हैं बताओ यहाँ पे ए क्या है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है. तो इस टाइप से घुमा फिरा के तुमसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट करो. तो आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होगा कि आयनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो लिगेंड है आपस में आयंस और लिगेंड आपस में क्या करेंगे इंटरचेंज कर जाएंगे, ठीक है, जल्दी नोट करो.
ठीक है ओके जतिन, चलो भाई आगे चलो। अब आप सेकेंड हेडिंग डालो, हाइड्रेटेड आइसोमर्स। सेकेंड क्या है थी? हाइड्रेटेड, इसे सॉल्वेटेड भी बोलते हैं, ध्यान रखना ठीक है। हाइड्रेटेड बोलेंगे या तो सॉल्वेटेड बोलेंगे। हाइड्रेटेड आइसोमर्स या तो इसी को हम बोलेंगे सॉल्वेटेड। ठीक है, या तो आप इसे हाइड्रेटेड आइसोमर्स बोलोगे या तो आप इसे सॉल्वेटेड आइसोमर्स बोलोगे। बाय विद सीएल सिल्वर फॉर्म, क्या लिखा हुआ है बेटा? देखो मेरी बात सुनो, कलर जो है वो सीएल के साथ नहीं आता, कलर आता है मेटल के पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से। या तो अगर इलेक्ट्रॉन डीडी ट्रांजिशन करेगा, मतलब लोअर शेल से हायर शेल में जंप करेगा, हायर से वापस से जब लोअर में करेगा तब या तो कलर देगा, या तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आएगा, सीएल की वजह से कलर नहीं आएगा। ठीक है, लिगेंड की या तो जो मेटल और लिगेंड के बीच में चार्ज का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी वजह से कलर आएगा, या तो डीडी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, अब मेरी बात समझो बेटा, हाइड्रेटेड आइसोमर्स और आयनाइजेशन आइसोमर्स देखने में एक जैसे लगेंगे तुम्हें। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं और जो तुम्हारे हाइड्रेटेड आइसोमर्स हैं वो आपको देखने में एक जैसे लगेंगे, बट आंसर ये है, मतलब सच्चाई ये है कि वो एक जैसे नहीं, अलग अलग हैं। हाइड्रेटेड आइसोमर्स में क्या होगा कि जो लिगेंड और तुम्हारा कौन सा है आयनिक स्फीयर है उनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल का ही एक्सचेंज होगा, समझे? जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई भी आपस में तुम्हारा लिगेंड और कोई सा भी आयनिक स्फीयर का जो आयंस होगा वो आपस में इंटरचेंज तुम कर सकते थे, उसको आयनाइजेशन आइसोमर बोलते थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ही एक्सचेंज होगा विद द आयनिक स्फीयर। जैसे कि अपने पास एक कंपाउंड है कि भैया सीओ सीओ सीएल थ्री डॉट सिक्स एच टू ओ। अब देखो इसकी कंडीशन देखना जरा भाई, देखो जैसे हमने लिख दिया CO और H2O का होल 6 और मैंने क्या करा, तीनों CL मैंने क्या करा बाहर लगा दिए, एक तो ये आइसोमर है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर हम दूसरा क्या करें, हम कह रहे हैं कि भैया CO ठीक है और H2O में हम क्या कर रहे हैं कि एक H2O को बाहर भेज रहा है, यहाँ पे 6 H2O थे एक बाहर भेज दे, एक CL अंदर ले आए, तो बाहर क्या बचा, बाहर तुम्हारे पास 2 CL बचे और एक तुम्हारे पास H2O का मॉलिक्यूल बचा। तो तुमसे कोई पूछे कि भैया ये दोनों आपस में क्या है, तो ये एक दूसरे के आपस में हाइड्रेटेड आइसोमर्स है या फिर सॉल्वेटेड आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड चेंज हुआ है आयनिक स्फीयर के साथ वो वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन और ये एक जैसे नहीं है, तुम बोल दो एक ही है, आयनाइजेशन में कोई सा भी हो सकता है बट हाइड्रेटेड में क्या होगा, सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल ही आयनिक स्फीयर के साथ एक्सचेंज होगा। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ CO H2O का होल 4 एंड Cl2 और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भैया आप Cl कितने आगे बाहर, एक ही Cl बचा और H2O के कितने मॉलिक्यूल होगा, 2 मॉलिक्यूल होगा बाहर। या फिर हम और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे CO H2O बेटा कितने बचे, 3 और तीनों Cl हम अंदर लेके आ गए, बाहर कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 वाटर मॉलिक्यूल। बोलो समझ में आया? तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है, ये सब आपस में एक दूसरे के हाइड्रेटेड या फिर सॉल्वेटेड आइसोमर्स हैं। क्या बताओ, समझ में आया बेटा इतनी बात? ठीक है जतिन, कोई बात, हम जतिन ये कह रहे हैं कि जैसे आयनाइजेशन आइसोमर्स और हाइड्रेटेड आइसोमर्स आपको देखने में सेम लगेंगे, कि यहाँ भी तुम यही कर रहे हैं कि भैया हम लिगेंड को बाहर वाला जो आयन है, मतलब तुम्हारा आयनिक स्फीयर है, उससे हम चेंज कर दे रहे हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आयनाइजेशन आइसोमर्स है उसमें कोई भी लिगेंड तुम चेंज कर सकते हो, बट हाइड्रेटेड आइसोमर्स में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है तुम्हारा वो आयनिक स्फीयर के साथ इंटरचेंज होगा। मतलब इन सब में देखो कॉमन चीज क्या है, यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर, 3 CL बाहर, बट यहाँ पे क्या हुआ, 1 CL को अंदर रख के 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर भेजा गया, तो वाटर मॉलिक्यूल को हमने एक्सचेंज कर दिया विद द आयनिक स्फीयर। तो इसीलिए इन्हें हाइड्रेटेड या फिर सॉल्वेटेड आइसोमर्स बोला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही एक्सचेंज होगा, कोई दूसरी चीज एक्सचेंज कराओगे तो आयनाइजेशन में आएगी, वाटर कराओगे तो वो हाइड्रेटेड में आएगी, इतना ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू सर। अब इसमें लिख लो जल्दी से बेटा, लिखो हाइड्रेटेड isomers arises due to the presence of
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, नाम से पता चल रहा, ठीक है, वॉटर मॉलिक्यूल, लिखो वॉटर मॉलिक्यूल एक्ट एज लिगेंड एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, दूसरी बात यहां पे एक चीज और लिखो बेटा, दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड, दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय क्वांटिटेटिव, एस्टिमेशन ऑफ पीपीटी, मतलब भाई है तुम इनकी भाई रिएक्शन कराते जाओ तुम्हें पीपीटी मिलता जाएगा अलग अलग कलर का, अलग अलग टेम्परेचर का, ठीक है, कंडक्टिविटी, मतलब तुम कंडक्टिविटी से भी पता सकते हो या फिर कंडक्टिव मेथड, कंडक्टिव मेथड और बाय यूजिंग सुइटेबल डिहाइड्रेटिंग मेथड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या तो तुम यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से बेटा नोट करना, अभी आता हूं। बेटा हो गया इतना? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद तुम लोग हेडिंग डालो लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, अगर हो गया है तो नेक्स्ट हेडिंग डालें आप लोग, चलो कैपिटल लेटर में ही डाल देते हैं, लिंकेज आइसोमर्स। यार लिटरली बताया ऋत्विका, तो जब से मेरी ऑनलाइन वाली क्लासेस बंद हुई हैं तब से सर्वाइकल का हाँ थोड़ा सा मुझे आराम मिला है, पर अभी भी कभी कभी बीच बीच में हो जाता है यार, मतलब पूरी तरीके से आराम नहीं मिला, थोड़ी मेरी लापरवाही भी है कि हमने भी मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की, मुझे अब डर है कि अब मेरी फिर से कंटिन्यू चालू हो गई है, मतलब ये अभी तुम्हें पढ़ाया इससे पहले वाली पढ़ाई है, तो हम कल से जो एक्सरसाइज करके आए, ठीक है, डोंट वरी। तो चलो फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मुझे बताओ कि ईमानदारी से बताओ तुम लोगों के एग्जाम अच्छे हुए सबके कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो बेटा एक चीज सुन लो, अब तुम्हारे एग्जाम हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम थोड़ा रिलैक्स पे चले जाओ कि यार अब एग्जाम हो गया कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, ये मत करना, अभी आपका फ्लो बना हुआ है पढ़ाई का, समझ रहे हो, अभी आपने छुट्टियां ली है तो आपने कंटिन्यू पढ़ाई की होगी एग्जाम के लिए, तो अभी क्योंकि फ्लो बना हुआ है तो इस फ्लो को बेटा बनाए रखो। ठीक है, तो हम तुम्हें राय देंगे कि इस टाइम पे तो और तुम्हें ज्यादा पढ़ना है, तुम ये मत करना कि अब सोच लो कि अरे यार अभी तो एग्जाम हो गया टाइम थोड़ा रिलैक्स कर लें रेस्ट ले लें, मत करना, अभी आपका फ्लो बना है उसी फ्लो को कंटिन्यू रखो और एक टाइम टेबल बनाओ कि भाई हम क्या करेंगे डेली डेली, 90 क्वेश्चन भी अगर आप एक दिन में लगाते हो कि 30 क्वेश्चन हम फिजिक्स के 30 बायो के 30 केमिस्ट्री के लगाएंगे
तो एक अपना रूल बना लो कि इतने क्वेश्चन डेली पीवाई क्यों लगाएंगे, और कौन से क्वेश्चन लगाओगे, सिर्फ तुम्हारे प्रीवियस एंड नीट में आए हुए क्वेश्चन, कुछ लगाओ मत, फिजिक्स का अच्छा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो वही है बेटा कि जो तुम्हारे नहीं हुए कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी जो हो गए हैं और जो अभी तुम्हें फिर से एग्जाम अपने देने हैं, है ना, तो वही है कि उसके लिए और अपने नीट वाले एग्जाम के लिए स्पेशली, तो हम तुमसे भाई बस यही कहेंगे कि अपने एग्जाम का थोड़ा प्रायोरिटी दो, अभी तुम्हारा फ्लो पढ़ाई का बना हुआ है, तो जितने अच्छे से पढ़ सकते हो उतने अच्छे से पढ़ो और टाइम दे दो, बढ़ा दो, और बस एक ही काम तुम्हें करना है, पी वाई क्यू सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, चैप्टर पढ़ो, फिंगर टिप्स पूरे चैप्टर को याद करो, डेरिवेशन पूरे और इस सब, देन उसके बाद क्या करो अपना पी वाई क्यू लगाओ, ठीक है, ठीक है बेटा, यस सर, ठीक है, और बाकी जो भी बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो हम उनसे भी कहेंगे बेटा अभी अपने पास टाइम है, तुम्हें जो भी चैप्टर देखो, पहले तो हम कोऑर्डिनेशन फिनिश कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन के बाद कौन सा बचता है अपने पास, एमाइन बचता है, कोऑर्डिनेशन और एमाइन को फिनिश करने के बाद एक सरफेस तुम्हारा, शायद सरफेस तो करा दिया ना मैम ने, या बचा है अभी, सर बचा है अभी सरफेस बचा है, हाँ, तो सरफेस और एमाइन इसके बाद सिर्फ दो चैप्टर बचेंगे, उन्हें जल्दी से हम लोग सरफेस और एमाइन को फिनिश कर लेंगे, उसके बाद तुम लोगों के जो ऐसे चैप्टर हैं जिनमें तुम्हें लगता है कि तुम्हें रिवीजन करना है, तुम्हें एक बार फिर से पढ़ना है, वो मुझे बताना, वो चैप्टर हम फिर से तुम्हें एक बार अच्छे से रिवाइज करा देंगे, देन उसके बाद अपना खूब अच्छे से पेपर की तैयारी करना, ठीक है, और पी वाई क्यू लगाना, फिर से हम बोल रहे हैं देखो एग्जाम निकालने का एक ही तरीका है, वो है पी वाई क्यू लगाना, ठीक है, तो चैप्टर पढ़ो, फिंगर टिप्स पे चैप्टर को याद कर लो और पी वाई क्यू लगाओ, कुछ करना ही नहीं आपको, ठीक है बेटा, यस सर, हाँ, डेली पी वाई क्यू आपको लगाने लगाने, ये समझ लो जब भी हम आपको कोई यहाँ पे टेस्ट पेपर सॉल्व करवाएं कि भाई देखो ये हम तुम्हें टेस्ट पेपर 2014 का 15 का या 18 का करवा रहे हैं, 19 का 20 का, तो ये होना चाहिए कि भाई तुम्हें उसके क्वेश्चन आते होने चाहिए कि हाँ भाई अगर सर ने 40 क्वेश्चन हमें करवाए हैं तो 40 क्वेश्चन हमें आते हैं, ठीक है, इसलिए पी वाई क्यू की जितनी प्रैक्टिस कर पाओ करो अभी से, हाँ बिल्कुल डेली टॉपिक करो, बाकी ये नोट्स अपने आप गूगल ड्राइव से ले लेना, ठीक है, तो मिलते हैं तुम लोगों से मंडे को, कल गांधी जयंती है, ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, क्योंकि कल तो अपनी क्लास होगी नहीं, तो मिलेंगे तुमसे मंडे को, ठीक है, थैंक यू सर, ओके, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय सर, बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।